वाला है। बिल्कुल, अभी चारों टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स इकट्ठे नहीं है, दैट मींस कि आपका कोई ग्रेनेड आएगा तो दिक्कत नहीं देगा, बट सामने से वो जो कुछ ग्रेनेड, अगर ये थोड़ा सा आगे एक्सटेंड होता ग्रेनेड तो दिक्कत आ सकती थी, बट 4 vs 3 के सिचुएशन में बोलूंगा बिकॉज क्लच गॉड एक सरप्राइज एलिमेंट रहेंगे सामने से, बट एक ग्रेनेड आएगा सिर्फ एमजे का और वो दो प्लेयर नॉक डाउन करके जाएगा जॉनाथन और जी गॉड। इसी चीज की मैं बात कर रहा था, नियो लकीली वहां पर नॉकडाउन है बट क्लच गॉड की पोजीशनिंग आई जहाँ पे आतंकी को नॉकडाउन करके वाली पोजीशनिंग सिर्फ क्लच गॉड को ट्रेड करके जाता हूँ, बट नियो देखते हैं किस तरह वाली फाइट निकालता है, बट आखिरी में सेल्स के एमजे ही इज द हीरो ऑफ दिस फाइट बिकॉज अब देखते हैं किस तरह वाली फाइट करेंगे, क्या निकाल सकते हैं बॉक्स को गॉड, बट नहीं सेल्स के एमजे ही फाइनल फिनिश करेंगे इस वाली फाइट को, बट चुटकी बता से ये वाला मैच हमारा फिनिश हो चुका है। इट वॉज लाइक पहले लगा टीएसएम एंटिटी जीतेगी बट जहाँ पे ग्रेनेड की ओपनिंग निकाली एमजे ने, फिर लगा कि क्लच गॉड अब प्ले में आएंगे, वो स्पॉट हुए कवर नहीं था उनके, उनके पास सामने एक ट्री था बट स्टिल ही चोज टू बी ऑन द ओपन साइड, लाइक गलती करी वहां पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग क्लच गॉड ने। द गॉड किलर एमजे हिमसेल्फ जो एक शानदार ग्रेनेड था, दो प्लेयर्स को पछाड़ा वहां पे, उसके बाद नियो क्लच गॉड सबको वहां पे फिनिश किया, चिकन डिनर भी निकाले, आई मीन गैलेक्सी रेसर्स व्हाट एन अमेजिंग प्ले फॉर श्योर। बट इस ब्रेक के बाद हम लोगों को